बेयर ग्रिल्स, इन्हें वैसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया उनको जानती है। उनकी लाइफ को थोड़ा सा समराइज करते हैं। 1996 में एक एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब बिल्कुल पहले जैसे होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने मिलिट्री रिहेबिलेशन ज्वाइन किया, फिजिकल एक्टिविटीज से खुद को पुश करना शुरू किया, एक तरह से कह सकते हैं कि खुद से ही खुद की लड़ाई मोड़ ली। उसके बाद वो 1998 में माउंट एवरेस्ट चढ़े, उनको बॉर्न सर्वाइवर का टाइटल दिया गया। उसके बाद वो दिखे मैन वर्सेस वाइल्ड में, जहां पर उन्होंने टफ से टफ सिचुएशन में, टफ से टफ जगहों के ऊपर सर्वाइव कैसे करते हैं, ये पूरी दुनिया को सिखाया। जिस बंदे के खड़े होने पर डाउट किया जा रहा था, वो बंदा वहां पर टफ से टफ स्टंट करने लगा। आज की बात करें तो करोड़ों लोग उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। मोरल इज, अगर आप खुद को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, खुद को पुश नहीं करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसा है वैसा ठीक है ये मान के बैठे रहना चाहते हैं, और सबसे बड़ा जो आजकल लोग मानते हैं जो भी है वो सब नसीब नसीब की बात है ये मानकर बैठे रहना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा।